तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा SP 125 BS6 बाइक की। और ये आपको दो वेरिएंट में मिल जाती है, एक तो डिस्क ब्रेक वाली और दूसरा ड्रम ब्रेक वाली। तो ड्रम ब्रेक वाली बाइक की हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 86,843 रुपये इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस मिल जाता है। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,03,689 रुपए से लेकर 1,05,200 रुपए तक की रेंज में आपको ये ऑन रोड प्राइस में बाइक मिल जाती है। यदि आप 20,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट आपको 83,689 रुपए का मिलता है। और अगर हम 13% ब्याज के हिसाब से 2 साल की मंथली ईएमआई की बात करें तो 3,998 रुपए आपको देने पड़ते हैं। और अगर हम इसके 2.5 साल की बात कर लें मंथली ईएमआई की तो 3,302 रुपये आपको देने पड़ते हैं। और अगर हम इसके 3 साल की बात करें तो आपको 2,840 रुपये मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। अगर हम डिस्क ब्रेक वेरिएंट की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस 90,843 रुपये पड़ जाता है। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,08,787 रुपए से लेकर 1,10,221 रुपए में आपको ये ऑन रोड प्राइस में बाइक मिल जाती है। डाउन पेमेंट अगर आप 20,000 की करते हैं तो लोन अमाउंट आपको 88,787 रुपए का मिल जाता है। और अगर हम 13% के हिसाब से 2 साल की मंथली ईएमआई 4,242 रुपए पड़ जाती है। और अगर हम इसके 2.5 साल की बात करें मंथली ईएमआई की तो 3,502 रुपए पड़ जाती है। 3 साल की बात करें अगर हम मंथली ईएमआई की तो 3,013 रुपए आपको इसकी 3 साल की मंथली ईएमआई पड़ जाती है। और बात करते हैं हम स्पोर्ट एडिशन की तो एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 91,393 रुपए इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,10,931 रुपए से लेकर 1,12,315 रुपए आपको ऑन रोड प्राइस में ये बाइक पड़ जाती है। डाउन पेमेंट अगर आप 20,000 की करते हैं तो लोन अमाउंट आपको 90,931 रुपए का मिल जाता है। 13.5% के हिसाब से 2 साल की मंथली ईएमआई आपकी 4,344 रुपए पड़ जाती है। और 2.5 साल की बात करें तो 3,588 रुपये पड़ जाती है। 3 साल की बात करें तो 3,086 रुपये पड़ जाती है।